हेलो एवरी वन वेलकम बैक दिस इज यूनिट फाइव ऑफ फ्लुएंसी इंग्लिश पेपर दिस इज द लास्ट यूनिट द टाइटल ऑफ द यूनिट इज इंटरफेस विद टेक्नोलॉजी पार्ट टू बिकॉज ऑलरेडी पार्ट वन जो है वो हम सेमेस्टर सेकेंड सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं दिस इज़ पार्ट टू विच वी आर डूंग इन सेमेस्टर थ्री सो लास्ट चैप्टर है आपका एंड दिस इज़ द मोस्ट ईजीएसट चैप्टर इस चैप्टर के बीच में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सो आई थिंक ही ऑल ऑफ यू विल ईजीली बी एबल टू अटैम्प दैट क्वेश्चन ओके सो इंटरफेस विद टेक्नोलॉजी मीन्स की टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से इंग्लिश का लाइक एक रिलेशन बिल्डअप हो रहा है सो अब हम जो राइटिंग है इंग्लिश लैंग्वेज है वो टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से यूज़ हो रही है सो इस सेक्शन के बीच में लाइक सम प्रिस्क्राइब्ड टॉपिक्स हैं बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई पक्का सिलेबस नहीं हो सकता लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक्स प्रिस्क्राइबड है फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्रेजेंस कि किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस जो है वो इस्टेब्लिश की, की जा सकती है व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर वगैरह पे किस तरह से लोग चैटिंग करते हैं बातें कैसे करते हैं आई एम प्रटी श्योर ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल इन ऑल ऑफ दीज एप्स सो इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू बट यू नीड टू लर्न कि आप एग्जाम में ये सारी चीज़ें कैसे लिख पाएंगे बिकॉज व्हाट्सएप में डायरेक्टली मैसेज करना इज सो ईजी बट टू अटैम्प्ट अवेशन इन एग्जाम बेस्ड ऑन द वाट्सएप इंग्लिश लैंग्वेज दैट विल भी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग एंड वी विल टॉक अबाउट दैट एफेक्टिव एंड पोइटिक एक्सप्रेशन एंड रिटोरिक सो किस तरह के एक्सप्रेशन जो हैं और पोइटिक एक्सप्रेशन जो हैं और रिटोरिक क्वेश्चन जो हैं वो कैसे यूज़ होते हैं और उनका किस तरह से हम सो so, ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट uh, है उसमें किस तरह से इसका यूज़ करते हैं अब हर टेक्सट में जिस तरह से आपको एक सजेस्ट रीडिंग दी होती है जिस रीडिंग को आपको पढ़ना होता है इस टेक्सट के बीच में है सलमान रशदी की एक बुक है हारोन एंड द सी ऑफ स्टोरीज तो so, ये बुक आपका प्रिस्क्राइब सिलेबस है आपको ये पढ़ना है इस चैप्टर के लिए और इसे पढ़ के आपको समझना है कि किस तरह से सोशल मीडिया प्रेजेंस स्टोरीज एंड नारेटिव वगैरह ये सारी चीज़ें किस तरह से वर्कआउट करती हैं एक साथ ओके सो ऑब्जेक्टिव क्या है फेमिलराइज फेमिलराइज यू विद सम मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको जो मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है उनसे फेमिलराइज़ करना उनसे जान पहचान कराना ड्रॉ योर अटेंशन टू हाउ लैंग्वेज इज बीइंग इफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी किस तरह से लैंग्वेज जो है वो टेक्नोलॉजी से अफेक्टेड हो रही है एंड डिस्कस द पोटेंशियल फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन ऑन सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया के ऊपर सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब ख़ुद को एक्सप्रेस करने का जो पोटेंशियल है कि कितना आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो तो कैसे डेवलप हो रहा है पहले टाइम पर अगर आपको अपने दिल की कोई बात बोलनी है या अपने आपको एक्सप्रेस करना है अपने थाट्स एक्सप्रेस करने हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही जरिया होता था या तो आप न्यूज़पेपर में लिखो या आप बुक्स पब्लिश करो बट नाव डज यू कैन बी एनी वन यू कैन लाइक शेयर योर आइडियाज़ विद एनी वन ऑन यूट्यूब ऑन सोशल मीडिया सो ऑल द प्लेटफॉर्म्स आर ओपन बट वी ऑल्सो नीड टू लर्न हाउ टू डील विद दो प्लेटफॉर्म्स ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी लाइक इंटरफेस विद टेक्नोलॉजी वट डज़ इट मीन तो so, पहले पैराग्राफ में आपको इसका एक सिंपल सा मीनिंग दिया हुआ है कि uh, जब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए कम्युनिकेशन के लिए सोशल वर्ल्ड में दैट इज़ लाइक इंटरफेस विद टेक्नोलॉजी इट कुड बी लाइक यूजिंग इट कुड बी थ्रू यूजिंग सोशल मीडिया नेटवर्क लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड जोमैटो रिव्यू नेटवर्क्स लाइक सॉरी कस्टमर रिव्यू नेटवर्क्स लाइक जोमैटो एंड येल्प सो जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब के बारे में जोमेटो के बारे में भी इसमें बहुत सारी बात हुई है ओके सो नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ कि ग्रैंड पेरेंट्स की एज में तो uh, उन्हें मतलब uh, एक दूसरे के पास जाके बात करनी होती थी कम्युनिकेट करना होता था एंड इवन अगर जॉब वगैरह के लिए भी अप्लाई करना है तो भी आपको ऑफिस जाके ही अप्लाई करना होता था बट नाउ डेज थिंग्स हैव चेंज्ड सो एंड अदर थिंग विच इज़ टॉक्ड अबाउट इन दिस पैराग्राफ़ कि कि किस तरह से पुराने ज़माने में लोगों की हॉबी होती थी कि वो स्टैम्प कलेक्ट करें एंड आई एम प्रटी श्योर आपने भी बचपन में कुछ पॉक्यमोन वगैरह के कार्ड्स वगैरह ज़रूर कलेक्ट किए होंगे बट ना वेज टेक्ना टेक्नोलॉजी हैज़ चेंजड एवरी थिंग इवन द यंग वंस दे वॉन्ट्स टू प्ले ऑनलाइन दे दे वॉन्ट्स टू इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी सो with that changing interaction the communication is changing so the language is also changing okay uh, after that yeah uh, they have described like what is Facebook और इसमें एक uh, आर्टिकल की बात करी हुई है जिस आर्टिकल का नाम ही है what is Facebook Facebook क्या है यूट्यूब uh, अपलोडेड ये यूट्यूब पर अपलोडेड एक वीडियो है बाय काया केसी टू थाउजेंड थर्टीन फेब्ररी एट में अपलोड हुई थी यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड दे हैव शोन किस तरह से फेसबुक ने दुनिया का लाइक like, रुख बदल दिया है ऑनलाइन शॉपिंग कॉलेज फीस वगैरह पे करना सारी चीज़ें अब ऑनलाइन इंटरनेट पर हो रही हैं ऑल दोज लाइक टेक्नोलॉजिकल थिंग आई नॉट गो इन टू लाइक like, uh, too much detail in that because I'm pretty sure all of you are very well aware of the technology and अगर कोई social media के influencer related question आ भी सकता है तो आप बिना किसी help के easily लिख सकते हो कि किस तरह से social media ने human beings की life जो है वो change करी है और उसका effect English के ऊपर भी हुआ है अब simple से बेसिक आप यहीं से example लीजिए आपको यहाँ व्हाट्सएप व्हाट्सएप की थोड़ी सी हिस्ट्री उसके बारे में बताया कि किस तरह से ये चाइना में बैन है और वहाँ पे कुछ और साइट्स यूज़ होती हैं कैसे व्हाट्सएप बना इन सब चीज़ों के बारे में आफ्टर दैट राइटिंग ऑन व्हाट्सएप दिस इज़ आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से अब व्हाट्सएप पर राइटिंग का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग नहीं होती करेक्ट पंचुएशन नहीं यूज़ करते हम और करेक्ट ग्रामर नहीं यूज़ करते हैं. तो आपको ये तीनों चीज़ों का पता होना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए कि गिव कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ व्हाट्सएप राइटिंग या व्हाट्सअप राइटिंग के बारे में बताओ कि वो क्या होती है कैसे होती है तो वहाँ पे आपको पता तो है क्या होती है लेकिन आपको लिखना आना चाहिए सो यू नीड टू रिमेंबर दीज वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग नहीं होती करेक्ट ग्रामर नहीं होती और करेक्ट पंचुएशन नहीं होता ओके एंड इट्स टोटली इनफॉर्मल एंड अदर थिंग्स लाइक इमोजीज एंड इमोटिकोन्स वग़ैरह वो भी यूज़ होता है सो हेर इज़ एन एग्जाम्पल इज गिवन हाई पीपल व्हाट्स सो इंस्टेड ऑफ सेंग व्हाट्सअप हाउ आर यू इट्स लाइक वाट्स Hope you all are well and safe. Exam kab hai, do you? So, half English, half Hindi. Hello, instead of saying simple hello, it's hello. Uh, oh, you are still having exams. How are they conducting? So, they is like it's uh, wrong. It's misspelled here. Okay, so, you can read this conversation. I am not reading this full. Uh, so, main purpose is that we need to examine this language. So, let us examine English here. First thing is that language is mixture hai, English or Hindi. Ga. ओके okay. येस yes का रिप्लाई हाँ से हो रहा है लिखा जा रहा है टुमारो जो है उसकी जगह कल लिखा जा रहा है हिंदी वर्ड इस तरह से नाउ देर आर नो फुल स्टॉप्स एंड कैपिटल लेटर्स लाइक जो डी यू अगर कैपिटल में लिखा जाता है जे एन यू कैपिटल में लिखा जाता है तो आप उसे शॉर्ट में लाइक स्मॉल केस में ही लिख देते हैं अलग अलग एब्रीवेशंस लाइक ओ एम जी पीपल एंड टी टी वाई एल दीज काइंड्रिवेशन आर यूज सो आपको ये टर्म पता होनी चाहिए कि इन्हें बोलते हैं क्या इन्हें एब्रीवेशन बोलता है अगर आपको ये एग्जाम में नहीं पता होगा तो वहाँ आप ये तो नहीं लिखोगे कि टी टी वाई एल बोलते हैं यू हैव टू राइट डाउन दैट इन व्हाट्सएप लैंग्वेज दे यूज़ एप्रीवेशन सो दैट्स वाई यू नीड टू रीड दिस बुक वेरी केयरफुली एंड यू नीड टू कीप इट इन माइंड कि जितना ईजी चैप्टर है उतना ही आपके लिए इन टर्म्स को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाउ स्पेलिंग्स आर चेंजड फ्रीली सो हाई डबल एच आई भी हाई है हेलो एच ई डबल एल एंड ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ एंड सिंपल हेलो भी हेलो है ओके सो इन प्लेस ऑफ वर्ड्स इमोटिक्ड सो ये चार पाँच जो डिफ्रेंसेज हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज की ये आपके माइंड में होनी चाहिए एंड आफ्टर दैट देर आर अदर एग्जाम्पल्स की किस तरह से एडवरटाइजमेंट वग़ैरह के बीच में एंड इवन मूवीज़ के टाइटल के बीच में भी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ होने लगी है सो so ये किस चीज़ का इन्फ्लुंस है ऐसा नहीं है कि मूवी के टाइटल या एडवर्टाइजमेंट वगैरह खुद से ऐसे आने लगे उसके बाद व्हाट्सएप की लैंग्वेज ऐसी हुई नहीं व्हाट्सएप की लैंग्वेज लोगों के यूज़ टेक्नोलॉजी के इंटरफेरेंस की वजह से बदली और उस बदली हुई लैंग्वेज को मीडिया ने उठाया बॉलीवुड ने हॉलीवुड ने न्यूज़ मीडिया ने एडवर्टाइजिंग वालों ने क्योंकि लोग अब उन्हीं चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे हैं अगर आप कोई व्हाट्सएप पे बिल्कुल फॉर्मल मैसेज लिख के भेजे तो वी विल थिंक दैट दैट पर्सन इज़ बैड बट इफ़ अ पर्सन इज़ राइटिंग लाइक इनफॉर्मल मैसेज सो दैट इज़ टोटली एक्सेप्टेबल सो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज अब सोसाइटी का पार्ट बन चुकी है सिमिलरली मूवी वालों ने भी लाइक like, मूवी का टाइटल शादी के साइड इफ़ेक्ट्स सो हाफ हिंदी हाफ इंग्लिश इसके अलावा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में भी बात हुई है सो so, उन लोगों ने पॉपुलर ट्रेंड्स को पिक किया

After that, like there is an article, the golden rules of WhatsApp groups, and you can read this article. up, ki activity? hai? Question question the exam? What is the difference between an emoji and an emoticon? difference pata hona difference. I'm not very tech savvy, so I cannot explain that. You can go to Google and try to find out the correct definition that what is the difference between an emoji and an emoticon. Okay, next question. Analyze the last 10 posts from your favorite WhatsApp group chat. इस तरह का क्वेश्चन की एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है जहाँ पे वो आपको ये बोलें कि आप अपनी पिछली दस पोस्ट जो है फेवरेट व्हाट्सएप ग्रुप में से आप डिसाइड करें मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है कि आपको इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन जो है जैसे यहाँ ऊपर दी हुई है इस तरह की कॉन्वर्सेशन दे दी जाए ये कहीं कहीं से इनकम्प्लीट हो और आपको कंप्लीट करने के लिए बोला जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कॉन्वर्सेशन देने के बाद आपसे ये पूछा जाए कि इसमें एग्जाम्पल दे के बताओ कि कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो यूज़ हुए हैं व्हाट्सएप इंग्लिश के सो so आपको जैसे यहाँ पे कल एंड हाँ का एग्जाम्पल दिया है पीपल का एग्ज़ाम्पल दिया, हाँ, दिया है हाई हेलो का एग्जाम्पल दिया है सो जो एग्ज़ाम में कॉन्वर्सेशन आएगी उसके बेसिस पर बेस्ड आपको अपने एग्जाम्पल देने होंगे कि कहाँ कहाँ पे व्हाट्सएप लैंग्वेज जो है वो यूज़ हुई है ओके नेक्स्ट इज़ फ़ेसबुक सो फेसबुक के बारे में भी उसका बैकग्राउंड बताया हुआ है फेसबुक पे क्या क्या कर सकते हैं आप एंड देन लाइक बटन एंड थम्स अप बटन लव एंड कॉमेडी हा हा बटन वाओ सैड एंग्री केयर ऑल दोज ऑल दोज बटन्स डेवलप्ड इन कोरोना पैंडमिक इट्स जस्ट वन ईयर लाइक जस्ट वन ईयर बैक दोज बटन व नॉट देयर ओनली लाइक

दिस इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन इवन कॉलेज इंस्टीट्यूशन वगैरह वो लोग भी अपने फंक्शंस लाइक ऑनलाइन होस्ट करना वगैरह स्पेशली इन पैंडमिक टाइम सो फेसबुक इवेंट्स के बारे में बात हुई है अब फेसबुक इवेंट क्या होता है एंड हाउ टू क्रिएट फेसबुक इवेंट इसके ऊपर भी एक यूट्यूब वीडियो है जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड द लिंक इज गिवन इन द पी डी एफ यू कैन जस्ट टाइप दैट लिंक एंड यू विल बी एबल टू सी अब एक आपके लिए एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बोला जाए कि आप एक इवेंट जो है वो प्लान करके दिखाओ फेसबुक पे सो so, जिस तरह से ये फ़ोटो यहाँ पे दिखाई हुई है कि इस तरह का फेसबुक पे पोस्ट आएगी तो पहले जैसे हम नोटिस मैसेज को बॉक्स में करते थे आप इसे भी बॉक्स में करके फिर आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है आपको टाइम वाइम तो बताना इम्पॉर्टेंट है ही है ये चार बटन जो नीचे दिए हुए हैं एंड उसके बाद डिटेल्स वाला ये जो ऑप्शन है ये फेसबुक की खासियत है फेसबुक पे जब भी हम कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्टेड गोइंग शेयर एंड मोर का ऑप्शन आता है तो आप अपने आंसर के बीच में अगर आपको आता है कि आप फेसबुक इवेंट लिखो प्लान करो तो आपको भी नीचे बॉक्स में ये चार ऑप्शन बना के दिखाने होंगे और डिटेल्स में इस तरह से मोर के साथ जैसे सो अप डॉट डॉट एंड मोर इसी तरह से आपको भी अपनी थोड़ी सी डिटेल देके उसे आगे मोर के ऑप्शन के साथ दिखाना होगा ताकि वो लगे कि हाँ ये फोटो जो है वो फेसबुक से ही ली गई है नाउ एक्टिविटी दी हुई है आपको कि आपको सिस्टर के बर्थडे का प्राइवेट इवेंट क्रिएट करना है ब्लड डोनेशन कैंप का इवेंट क्रिएट करना है लाइक दैट ट्विटर के बारे में बात आती है सो so, ट्विटर के इन्फ्लुएंस के बारे में पहले बताया गया कुछ ट्विटर के फेमस ट्वीट्स जो हैं ट्वेंटी ट्वेंटी के वो यहाँ पे शेयर किए गए हैं एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ ट्विटर इस चीज़ के बारे में बात करी गई है सो इट्स अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट आप सबको पता है कि ट्विटर क्या है लेकिन आपको ट्विटर की डेफिनेशन देनी भी आनी चाहिए बिकॉज इफ़ इन एग्जाम दे आस्क इट देन यू नीड टू राइट द आंसर वहाँ पे आपको आंसर लिखना आना चाहिए सो so, आपको एक बार तो कम से कम ज़रूर पढ़ना चाहिए कि ट्विटर की डेफिनेशन क्या है सो ट्विटर इज एन ऑनलाइन न्यूज़ एंड सोशल नेटवर्किंग साइट वे पीपल कम्युनिकेट इन शॉर्ट मैसेजेस कॉल्ड ट्वीट जहाँ पे लोग जो हैं वो छोट छोटे छोटे मैसेज जिन्हें ट्वीट बोलते हैं उनमें कम्युनिकेट करते हैं एंड देर इज़ अ वर्ड लिमिट कि टू एटी कैरेक्टर्स ही सारे सिंबल और सारी चीज़ों को मिला के सिर्फ दो सौ अस्सी कैरेक्टर ही एक ट्वीट में आ सकते हैं ओके सो आफ्टर दैट वाई डू पीपल ट्वीट लोग ट्वीट किस लिए करते हैं इस चीज़ का कि अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए पॉलिटिकल कमेंट देने के लिए फ़िलोसफिकल ऑब्जर्वेशन शेयर करने के लिए अब अगर आपको नहीं पता आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो आप ये सारी टर्म्स ये सारे वर्ड अपने एग्जाम के आंसर में नहीं लिख पाओगे और वहाँ पे यू विल बी टोटली कन्फ्यूज़ कि मैं लिखूँ क्या कि लोग ट्विटर क्यों यूज़ कर रहे हैं आपको पता तो है यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्यों यूज़ कर रहे हैं देन की सोशल मीडिया की वजह से किस तरह से पब्लिक ओपिनियन जो वो वो इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है एंड ऊपर जो कुछ फेमस ट्वीट दिए गए हैं उसका एग्जाम्पल दे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से बिजनेस बूस्ट करने में स्पेशली देर वॉज एन एग्जाम्पल बाबा का ढाबा सो दैट एग्जाम्पल इज ऑल्सो मैंशन इन द बुक कि किस तरह से उन दो ओल्ड एज लोगों का बिजनेस बूस्ट करने का सारा काम ट्विटर ने ही किया एंड सोशल मीडिया की वजह से उनकी पूरा जो है वो बूस्ट हुआ अन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज माइक्रो पोएट्री और ट्विटर पोइट्री सो माइक्रो पोइट्री ट्विटर पोइट्री मतलब दो सौ अस्सी वर्ड में जो भी पोइट्री लिखी जाए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ये पोएम uh, जो है ये ट्विटर पे पब्लिश हुई थी ट्वेंटी सेवन अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी को uh, उसके बाद नीचे कुछ ट्वीट्स किए गए हैं लाइक like, डिसलाइक के बारे में दिया हुआ है नाव योर टास्क इज टू रीड सम ट्विटर पोइट्री एंड यू कैन ट्राई टू राइट बट डोंट वरी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन विल नॉट कम इन एग्जाम दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस सो समिंग अप लाइक बेसिकली किस तरह से लैंग्वेज है वो सोशल मीडिया के जैसे बदली है व्हाट्सएप लैंग्वेज के सोशल मीडिया लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं फेसबुक इवेंट कैसे क्रिएट करेंगे और अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप कैसे उसे लिख के आएंगे मैसेज नोटिस की तरह बॉक्स में बना के और नीचे चार बटन जो है उन्हें दिखा के आपको लिख के आना है ओके आफ्टर दैट वी लेट्स कम टू द स्टोरी दैट हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज अ स्टडी गाइड सो अब लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस के बारे में इस चैप्टर में बात हुई थी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ लैंग्वेज बदल रही है अब आपको इस बुक के बारे में भी पता होना चाहिए बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपका क्वेश्चन बुक से आ जाए वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना पूछे वो सीधा बुक की स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे सो so, uh, अभी ये, ये जो बुक है ये मिड नाइट चिल्ड्रन सलमान रश्ती हैं उनकी फेमस नावल मिड नाइट चिल्ड्रन रही है ये उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है एक तरह सॉरी एक तरह से नावल है नॉट अ शॉर्ट स्टोरी जो एक बारह साल के लड़के की कहानी है वो बारह साल का लड़का जो है वो अपने पापा से कहानियाँ सुनता है लेकिन उसके पापा जो है वो बीच में कहानियाँ सुनानी बंद कर देते हैं तो वो बच्चों की कहानी जादू भरी वाली दुनिया एडवेंचर स्टोरी दैट टाइप ऑफ स्टोरी इज दिस बुक हारून एंड सी ऑफ स्टोरीज ओके सो नावल जो है वो शुरू होती है फर्स्ट चैप्टर जो है वो शाह ऑफ ब्ला फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट शाह ऑफ ब्ला पहली ही लाइन में लिखा हुआ है द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द नावल फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टाइटल शाह ऑफ ब्ला सो शाह ऑफ ब्ला मतलब कि लाइक वी से ब्ला 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 इन इंग्लिश वी से अरे बोले जा बोले जा बोले जा लाइक इन हिंदी सो इन इंग्लिश वी से यार यू आर जस्ट ब्ला 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 बोले जा रहे बोले जा रहे बोले सो फ्रॉम देअर सलमान रश्दी ही हैज़ यूज अ पोएटिक एक्सप्रेशन उन्होंने बिल्कुल लाइक अ पोएट उस उर्दू वर्ड या हिंदी वर्ड आई एम नॉट श्योर वेदर ब्लाज ब्ला इज़ अ इंग्लिश वर्ड शाह वेदर शाह इज़ अ हिंदी वर्ड और अर्दू वर्ड उन्होंने उस वर्ड को इंग्लिश के वर्ड के साथ ऐसे मिक्स किया है कि वो राइम करने लगा है पोएटिक हो चुका है और वो टाइटल इस तरह की उन्होंने टाइटल इस तरह की लाइने उन्होंने बीच में यूज़ करी हैं ओके okay. सलमान रश्दी ने नाइनटीन एटी एट में सेटनिक वर्स नाम की एक बुक लिखी थी जो बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन हो गई थी वो ब्रिटिश ब्रिटिश सिटीज़न है और एक्चुअली ही फ्रॉम सम अदर कंट्री ही वाज़ फ्रॉम ईरान बट ही इज़ लिविंग इन ब्रिटेन बिकॉज इन ईरान ही इज़ नॉट एक्सेप्ट लाइक पीपल डू नॉट एक्सेप्ट हिज बोल्ड बिहेवियर ओके सो रश्दी ने ये अपनी बुक जो है वो अपने दस साल के बैठे जफ़र के लिए लिखी थी क्योंकि जफ़र ने कंप्लेन करी कि पापा आपने हम बच्चों के लिए कभी कोई स्टोरियाँ नहीं लिखी तो उन्होंने ये स्टोरी बिल्कुल जिस तरह से द अरेबियन नाइट्स एलिसन वंडरलैंड द विजर्ड ऑफ उ बच्चों की फेमस कहानियाँ जिस तरह से लिखी जाती हैं ये वाली कहानी भी कुछ उसी तरह से लिखी गई है तो इस कहानी के बीच में एक बारह साल का लड़का उसके पापा राशिद और उसकी उसकी मम्मी सोरिया इन तीनों की कहानी जो है वो uh, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लाइक दीज थ्री आर द मेन कैरेक्टर्स अब रशदी और राशिद जो है उनका नाम मिलता जुलता है वो भी राइम करता है सो मे बी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सलमान रशदी ने जान के अपने कैरेक्टर का नाम जो है वो uh, राशिद रखा हो जो रशदी से मिलता जुलता है ऑब्जेक्टिव क्या है आपका ये पढ़ने का कि आप स्टोरी से फैमिलराइज़ हो जाए बैकग्राउंड से आपकी अटेंशन आए कि सलमान रशिदी ने किस तरह से इमेजिनेटिव पावर का यूज़ करके अच्छे अच्छे टेक्स्ट लिखे हैं और आपको थीम समझने में मदद मिले कि कैसे किसी स्टोरी की थीम मेन मैसेज जो है वो समझा जाता है अब यहाँ पे स्टोरी का प्लॉट जो है वो दिया हुआ है सो so, राशिद खलीफा जो है वो कहानियाँ सुनाते हैं बहुत सारी उनकी वाइफ है सौर्या लेकिन वो हमेशा मतलब कहानी सुनाने और घूमने में ही बिजी रहते हैं तो इस वजह से वो अपनी वाइफ़ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते अब उसके बाद उनकी वाइफ़ जो है वो पड़ोसी जो उनका होता है नेबर सेन गुप्ता मिस्टर सेन गुप्ता वो उनके साथ रहने लगती हैं और वो उनके साथ अपनी हैप्पीनेस ढूंढने लगती हैं उसके बाद वो अपने घर से चली जाती हैं अपने उस पड़ोसी के साथ जिसकी वजह से राशिद का दिल टूट जाता है और अब उनके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं आती सिवाय आर्क 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 के ये वर्ड्स के वो और कुछ नहीं बोल पाते और उनके दिमाग में एक बात बैठी रहती है व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट आर एंड इवेंट ट्रू वो कहानी ये बताने का क्या फ़ायदा जो सच भी नहीं है ये बात सुन के और उनकी वाइफ के जाने सुनने बहुत ज़्यादा सदमा सा लगता है अब हारून जो है उन्होंने अपनी लाइक पापा से ये बात सुनी होती है कि कहानियाँ जो हैं वो जादुई पानी से आती हैं जो जिस पानी का नाम ही है कहानी का पानी और वहाँ से ये सारी कहानियाँ आती हैं और अब वहाँ से ये सब आनी बंद हो गई हैं और लाइक uh, uh, like, कहानी जो है वो एक जगह है जो पृथ्वी का छुपा हुआ चंद्रमा है एक तरह से मून है सैटेलाइट है सो so, इस तरह की इमेजिनरी चीज़ें यहाँ पे लाइक like, स्टोरी के बीच में जिस तरह से बच्चों को कहानियाँ सुनाने के लिए बता देते हैं उस तरह की कहानी यहाँ बताई गई है नाउ स्टोरी के बीच में किस तरह से जो वो बच्चा है जो बारह साल का बच्चा है वो अपने लाइक like एडवेंचर पे जाता है कहानी लैंड पे ढूंढने जाता है वहाँ पे उसे लैंड ऑफ चुप लैंड ऑफ गुप जो है उनके बीच में लड़ाई होती है प्रिंसेस जो हैं उनका नाम लाइक उनकी जो एक प्रिंसेस बातचीत सो बातचीत प्रिंसेस हो गई नाम है प्रिंसेस का बातचीत प्रिंस का नाम है बोलो सो so, बोलो एंड बातचीत इस तरह के वर्ड उन्होंने यूज़ करें सो so, ये वर्ड्स बच्चों के लिए फ़नी भी हैं और बच्चों के लिए लाइक like, इंटरेस्टिंग भी हैं उनके लिए ये, ये इस तरह की स्टोरी सो so, बेसिकली होता क्या है लाइक यू कैन रीड दिस ऑन योर ओन लाइक देर आर वाटर जिनी एंड हु पोई एंड पी सी पी टू सी टू ई सो पी टू सी टू ई मतलब प्रोसेस टू कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन ऐसी चीज़ जो एक्सप्लेन करने में ज़्यादा मुश्किल है तो उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया पी टू सी टू ई इस तरह के शॉर्ट फॉर्म अब बीच बीच में लाइक like, विलन जो हैं वो खत्म शुद्ध हैं और uh, गोपी एंड बग्घा हैं उसके बाद लाइक like, उन्हें बचाना किसे है राशिद को बचाना है यानी कि जो उसके पापा हैं तभी वो आगे कहानियाँ सुना पाएंगे बा जो प्रिंसेस बातचीत है उसको बचाना है और कहानी लैंड को बचाना है उसकी सारी स्टोरीज़ को बचाना है सो यू कैन रीड दिस एक्सपीरियंस एंड अब एंडिंग में क्या होता है कि आ, जो हमारा बारह साल का बच्चा है वो सबको बचा लेता है राशिद जो उसके फादर है उनको कहानी सुनाने की कला जो उनकी वापस आ जाती है उसकी मदर भी घर वापस आ जाती है और वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं और जो सैड सिटी है आ, अब उसका नाम आ, लाइक like, जिसका नाम कहानी था वहाँ पे अब सारी खुशियाँ जो है वो वापस आ चुकी हैं सो बेसिकली इट्स लाइक अ किड्स स्टोरी मेन स्टोरी के ऊपर आपका आइडिया नहीं है बट जस्ट रीड द समरी वंस आपको सही से सह समझ आ जाएगा ओके okay, अब क्रिटिकल कमेंट्री सो थिंग्स लाइक सैड सिटी चेयरफुल स्टोरी टेलर इस तरह का कंट्रास्ट जो है इमेज जो है वो बच्चों के माइंड में क्रिएट करी गई है ये वर्ड्स यूज करके कि किस तरह से दुखी शहर में अच्छी कहानी सुनाने वाले और अच्छी कहानी की कितनी ज़रूरत है ओके सो डिस्क्राइब द सिटी ऑफ अलिफ बे सो आपको सिटी ऑफ अलिफ बे डिस्क्राइब करनी है वो पढ़ के जब आप ये नावल पढ़ेंगे तब आप डिस्क्राइब कर पाएंगे बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं लेट्स से कि अब आपके लिए एग्ज़ाम के टाइम कम बचा है सो माय सजेशन इज़ दैट यू रीड दीज एक्सप्लेनेशंस जो यहाँ पे दी हुई हैं अगर आप ये नहीं भी पढ़ सकते तो जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस को गूगल करके एक बार जो इनके ऊपर आंसर दिए हों उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आप कोशिश करो कि सिटी ऑफ अलिफ पे किस तरह की थी और डिफरेंस राशिद के दो नाम ओशन ऑफ नोशंस एंड शाह ऑफ ब्ला सो ये दोनों नामों में क्या क्या डिफरेंस था आपको ये थोड़ा लिटरेरी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं लेकिन ये भी एग्जाम में आ सकते हैं ओके नेक्स्ट हारून एंड राशिद के बारे में और थोड़ी बात हुई है सारे कैरेक्टर्स के बारे में मेन लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन व्हाट इफेक्टेड राशिद स्टोरी हैव ऑन द लिसनर सो राशिद की कहानियों का लोगों पे क्या असर होता था दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन मेटाफर जो है राशिद uh, यूज़ किया राशिद ने क्या मेटाफर यूज़ किया जो सोरिया का अलगाव जो पैदा हो रहा था कि किस तरह से वो खुद को अलग अलग फ़ील करे जा रही थी उसके लिए उसने क्या मेटाफर यूज़ किया है सो वंस यू रीड दिस पैराग्राफ हेयर देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई बट जब तक आप पूरा नावल नहीं पढ़ेंगे ना तब तक आप इजिली ये सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाओगे सो so अब दो तरीक़े हैं या तो आप पूरा नावल पढ़ लीजिए क्योंकि सिर्फ समरी पढ़ के लाइक like समरी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया लेकिन सिर्फ समरी पढ़ के आप इतने डीप क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाओगे और या फिर आप ये सारे डीप क्वेश्चंस के आंसर एक बार गूगल करके पढ़ ज़रूर लीजिए आपको ऑलरेडी सारी स्टोरी समझ आ जाएगी अब आप जो डिफरेंट uh, कैरेक्टर्स जो है रशदी ने जो राशिद ने जो बनाए हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में uh, एक बार आपको बात करनी है ओके okay, सो so अब उसके बाद हारून हाउस एंड द सेन गुप्ताज उन लोगों के घर के बारे में कि किस तरह से वो अलग अलग घर जो हैं उनके बारे में बात हुई है ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद लेट्स गो टू क्वेश्चन सो हारून का घर जो है वो उनके बाकी पड़ोसियों के घर से अलग कैसे है मिस्टर सेन गुप्ता क्या करते हैं अनीता किस तरह से हारून को पैम्पर करती है मतलब प्यार करती है उसके बाद राशिद को राशिद खलीफा को एंड मिस्टर सेन गुप्ता को कंपेयर करना है राशिद खलीफा किस टाइप का हस्बैंड है किस टाइप का फ़ादर है मिस्टर सेन गुप्ता किस टाइप के हस्बैंड है और किस टाइप के फ़ादर हो सकते हैं ओके okay? सोरिया और मिस्टर सेन गुप्ता का एक रिलेशन बताया है अब आपको बताना है कि उस दिन मौसम कैसा डिस्क्राइब किया था जिस दिन सौरिया घर से भागी थी सो ऑफकोर्स राइटर ने कुछ अलग से ड्रामेटिक तरह का मौसम दिखाया है आपको उसके बारे में लिखना है उसके बाद राशिद के लिए उसने सोरिया ने लेटर में क्या लिखा था एंड हारून के क्वेश्चन का राशिद के ऊपर क्या असर हुआ क्वेश्चन क्या था कि ऐसी कहानियों का फ़ायदा ही क्या जो सच भी नहीं है सो समिंग अप हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी है हारून वाली ये फैंटसी वर्ल्ड की स्टोरी है बच्चों के लिए लिखी गई स्टोरी है लेकिन लैंग्वेज इम्पॉटेंट है कि किस तरह से आधी उर्दू आधी हिंदी एंड आधी इंग्लिश की लैंग्वेज मिल के फ़नी मीनिंग देने वाला लाइक फ़नी लैंग्वेज क्रिएट करने वाला एंड ज़्यादा टची ज़्यादा इमोशनल लैंग्वेज क्रिएट करने वाला एक लाइक uh, like, एक मीडियम बन जाती है ओके सो दिस वॉज द ब्रीफ समरी एंड किस तरह से सलमान uh, रश्दी की जो इमेजिनेशन है वो हेल्पफुल हुई अब यहाँ पे अलिफ पे की डिस्क्रिप्शन uh, दिया हुआ है एक इमेजिनरी कंट्री जो हिंदुस्तानी वर्ड फॉर अल्फाबेट सो so, इंडिया में लाइक आई होप लाइक मोस्ट प्रोबेबली इन सम अरेबिक लैंग्वेज और समथिंग अल्फाबेट सही से नहीं बोला जाता था तो उसका क्या वर्ड बन गया था एलिफ पे एलिफ पे सो so, उस एलिफ पे को उन्होंने सलमान रशदी ने गलत समझने के बजाय उसका यूज़ किया और उसे अपनी स्टोरी में यूज़ किया एंड नाउ इट्स अ फैंटास्टिक वर्ड ग्लम फिश क्या होती है एक सैड ग्लम मीन्स ग्लूम ग्लूमी वर्ड से यहाँ से लिया गया है ग्लूमी मीन्स सैड होता है सो ग्लम फिश दुखी मछली हारून एंड रशदी ये दोनों नेम हारून राशिद का जो कैलिफम ऑफ बागदाद हैं ये अरेबियन नाइट टेल्स स्टोरी में ये नाम यूज़ हुआ है सो वहाँ से ये नाम लिया गया है कालिफ़ का खालिफ हो गया है एंड हारून अल राशिद जो है ये नाम यूज़ किए गए हैं पहले ऑलरेडी स्टोरीज़ में सो लाइक दैट ओशियन ऑफ नोशन का मतलब आइडियाज़ से भरा हुआ uh, समुंदर सो so, राशिद को ये नाम कह के पुलकारा जाता था शाह ऑफ ब्ला जो है उसका क्या मतलब है कि नॉन सेंस ब्ला ब्ला मतलब नॉन सेंस कहना सो किंग ऑफ नॉन सेंस रेजडी टॉन फ्रेड क्लोथ्स टूटे फटे क्लोथ्स रैगडी रेजडी और रैगडी आई एम नॉट श्योर विच वन इज़ करेक्ट एले नैरो ब्लैक लेन एक लाइक like, अंधेरी वाली कुछ गलियाँ होती हैं जो वैसी सड़क सागा लंबी डिटेल स्टोरी वॉबली स्टमक यानी कि फैट की, की वजह से होता है ना कि कुछ लोगों के पेट की चमड़ी लटक जाती है सो दैट काइंड ऑफ स्टमक विची इट मीनस मैजिकल ग्रेट स्टोरी सी सो कहा लाइक इस स्टोरी के बीच में कहानी का समुंदर लाइक like, uh, जहाँ पे मैजिकल वाटर है कहानी लैंड पे जो कि अर्थ के मून पे छुपी हुई है या एक तरह से अर्थ का एक मून है सो ऑल दीज वर्ड्स यू कैन रीड एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग की टू चेक योर प्रोग्रेस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर गिवन हेयर सो द सैड सिटी एंड द चरफुल स्टोरी टेलर द सैड सिटी इन फॉरगॉटन इट्स नेम सी द फिश इन इट एंड द पीपल हु आर देयर वाज़ सो मच सैडनेस इन द सिटी सो ये आंसर आपके लिए दिए गए हैं ऊपर के क्वेश्चंस जो थे आपको उनके आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं सो प्लीज़ डू रीड दिस पी डी एफ वंस बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम अदरवाइज दिस चैप्टर विल बिकम अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर दोज हु हैव नॉट रेड द नावल सो माई सजेशन इज रीड द नावल इफ़ यू कैन नॉट रीड द नावल देन रीड दीज क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स क्वेश्चन बीच बीच में दिए हुए हैं और आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है So that's it for this video, and um, my next video I will be uploading the sample paper of fluency and English language literature paper. Those of you who have subscribed, thank you so much. Those who haven't, please do as soon as possible. That's it. Thank you.